मैं आप सबको एक ही बात कहता हूँ कि बेटा अपने वालदैन की बड़ी रिस्पेक्ट करो, बड़ा ही अदब करो अपने माँ बाप का, और अपने छोटे बहन भाइयों के लिए शजरे सायादार बनो। इसका पता आपको असल में उस वक्त लगेगा जब आप खुद बाप बनोगे या खुद आप माँ बनोगी, फिर पता लगता है बंदा कितना डिस्टर्ब होता है मेंटली कि जब औलाद जो है वो मेहनत ना कर रही हो। आपका शानदार रिजल्ट एक बाप की एक माँ की सारी बीमारियां खत्म कर देता है। आप मैट्रिक में जब शानदार रिजल्ट लेके आए, एफएससी में लेके आए, और आपके वालिद साहब को कोई प्रॉब्लम हो तो वो सारी दूर हो जाएंगी, वो आपके गले लग के बिल्कुल एकदम फिर जवान हो जाएंगे। तो मोहब्बत ही ऐसी है चीज है जो माँ बाप से, बहन भाइयों से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्त अहबाब से, नेबर से करके हम कामयाब इंसान बन सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपके एक काइंड नोटिस में है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद एक मर्तबा फिर हमारे बच्चों के तालीमी इदारे खुल चुके हैं और तालीमी सिलसिला जारी व सारी हो चुका है। प्यारे नाज़रीन, हमारे बच्चों को छुट्टियों के दौरान जो होमवर्क दिए गए, बच्चे उनकी तकमील के बाद अपने होमवर्क्स के साथ अपने स्कूलों में आजकल हाज़री यकीनी बना रहे हैं। साइंस लोकस स्कूल सिस्टम के मॉडल टाउन कैंपस में समर वीकेशंस के दौरान बच्चों को जो गैर नसाबी सरगर्मियों के हवाले से प्रोजेक्ट्स सौंपे गए, बच्चों ने वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं और आज उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे मबनी एक बड़ी ज़बरदस्त नुमाइश का अहतमाम साइंस लोकस स्कूल के मॉडल टाउन कैंपस में किया गया हुआ है। आइए आपको साथ लेके वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके आपकी नुमाइश में शिरकत करवाते हैं और इसके अलावा असातज़ाए किराम से और वहाँ के प्रिंसिपल मोहतरम मुफ्ती इमरान साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आइए हमारे साथ। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं साइंस लोकस हाई स्कूल मॉडल टाउन कैंपस के प्रिंसिपल जनाबे हमज़ा इकबाल शेख और इस कैंपस के हेड मुफ्ती इमरान साहब। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनका जो स्कूल सिस्टम है इसके बारे में चंद बातें, चंद सवालात उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का एहसान है। ये बताएं हमजा साहब कि हमारे गुजरांवाला में प्राइवेट सेक्टर में बहुत से तालीमी इदारे माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो इदारा है ये बाकी तमाम जो तालीमी इदारे हैं उनसे मुनफरिद क्यों है और नुमाया क्यों है? रिजल्ट्स जब भी आते हैं आपके माशाल्लाह नतायज जो हैं वो सबसे ज़्यादा नुमाया होते हैं, आप नतायज में भी, और इसके अलावा यह है कि नसाबी सरगर्मियाँ हों या गैर नसाबी, जैसे कि ये सब कुछ बच्चों का समर वीकेशंस का जो काम है, तो छुट्टियों के दौरानिए में भी आपने उनसे ज़बरदस्त काम लिया है, तो ये जो आपकी इनफरादियत है दीगर तालीमी इदारों की बनिस्बत, इसके बारे में हमें ज़रा बताएँ, हमारे व्यूअर्स को बताएँ प्लीज़। ऐसा है कि किसी भी बच्चे की या किसी भी बड़े की जब तक हम अप्रिशिएट ना करें, बच्चों को कोई उनको इनाम ना दिया जाए, उन्हें कोई पता हो कि जब मैं पोजीशन लूँ या अच्छे नंबर लूँ या कोई अच्छा काम करूँ मुझे इदारे की तरफ से अप्रिशिएट किया जाएगा, इनाम इंकरेज किया जाएगा। हाँ। तो ये हमारा है कि हम बच्चों को इंकरेज बहुत ज़्यादा करते हैं इनामात की सूरत में,
हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो इस साल मैट्रिक का रिजल्ट है जी, हमारे 1079 बच्ची ने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, उस बच्ची को 1.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा नकद नकद। कुल जो है 11 लाख रुपए के इनामात मैट्रिक के बच्चों में जो हम तकसीम करेंगे, और 4 लाख रुपए के इनामात जो हैं वो 9th क्लास के बच्चों में तकसीम किए जाएंगे। वाह, तो ये जो चीज़ है बच्चों को बहुत अपील करती है। अभी जैसे ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद भी बच्चों ने वालदैन के साथ मिल के इतनी मेहनत की, ये मॉडल्स तैयार किए हैं, तो इसके बकायदा ये अज खुद बच्चे तैयार करके लाए हैं या आप उन्हें कोई होमवर्क देते हैं कि यार ये आपने बना के लेके आना है? नहीं, हमारी तरफ से इसकी कोई उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं वो नहीं है। हमने जस्ट जो गर्मियों की छुट्टियों का काम दिया होता है उसके साथ ये बच्चों ने खुद जमा करवाना होता है, एक प्रोजेक्ट भी कोई बना के जब वो जमा करवाते हैं फिर उसको हम मार्क्स भी अवार्ड करते हैं, और जिन बच्चों के बहुत अच्छे हैं उन्हें सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं, अप्रिशिएट किया जाता है। तो यही वजह है कि जिसकी वजह साइंस लोकस हमेशा नुमाया रहा है कि लाखों रुपए के कैश इनामात के साथ सर्टिफिकेट्स, शील्ड्स और मुख्तलिफ जो गिफ्ट्स हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं, उन्हें इंकरेज करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि वो मज़ीद मेहनत करें और कामयाब हों। ज़बरदस्त जी, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियों से हमकिनार करे। अच्छा जी, मुफ्ती इमरान साहब, आप माशाल्लाह यहाँ पे कैंपस हेड हैं जी, जी। आप ये फरमाएं कि ये जो नसाबी गैर नसाबी तो हमने देखा माशाल्लाह फ़ाइन आर्ट्स के ज़बरदस्त और बड़े एंटीक किस्म के ये सैंपल्स बना के यहाँ पे बच्चों ने रखे हुए हैं, झलक रही है उनकी कारकर्दगी। आप बराह करम ये बताएं कि ये जो आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो नसाबी सरगर्मियाँ हैं, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्कूल का कोई सानी नहीं है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? क्या आपका जो स्टाफ है जी, जी, वो बड़ा आला तालीम याफ्ता है, हाईली एजुकेटेड है, या इसके कोई पीछे और भी कुछ हैं पिनहा चीज़ें? बराह करम बताएँ हमारे। बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अभी आपने हमारी गैर नसाबी सरगर्मियाँ देखी, आपको बहुत पसंद आई और बच्चों ने बिल्कुल अपनी बसात से बढ़ के मेहनत की हुई है, खूबसूरत बनाया हुआ है और शह पा रहे आपके सामने सर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उसकी जो बेसिक वजूहात हैं, हमारा चेक इन बैलेंस जो निज़ाम है इदारे में, बच्चों के तालीमी हवाले से वीकली टेस्ट की सूरत में, मंथली टेस्ट की सूरत में, सरप्राइज टेस्ट की सूरत में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इनको तैयार करने के लिए जो हमारा स्टाफ होता है, जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं हमारे, वो वेल क्वालिफाइड, हाई एक्सपीरियंस होता है उनका, कि अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर एमफिल लेवल तक के हमारे पास लोग होते हैं। और उनको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि उनको ट्रेंड किया जाता है इदारे में प्रॉपरली। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन होते हैं, यहाँ पे टीचर के ट्रेनिंग सेशन होते हैं। जब टीचर इस नेज पे पहुँच जाते हैं, उनकी काबिलियत इतनी हाई क्वालिटी पर आ जाती है, जबकि हमारे इदारे के लेवल पर वो चल पाएँ, तब जाके हम उनको क्लास में एंट्री देते हैं। और ये दूसरे इदारों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिफरेंट चीज़ है, और होता है हम दूसरे इदारों में, सारे इदारे काम करें तालीमी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे इदारे में ये जो क्वालिटी है दूसरे इदारों की बनिस्बत बहुत आला है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो टीचर पढ़ाने वाले क्लासरूम में जाते हैं उससे पहले उन्होंने बहुत कुछ सीख चुके होते हैं वो लोग, 29 ईयर्स हमारे इदारे के हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस साल की बात नहीं है, हर साल हमारा इदारा पोजिशन लेता आ रहा है, बोर्ड लेवल की जो हमारी पोजिशन होती है 10 टॉप 10 में या टॉप 5 में अल्हम्दुलिल्लाह हम रहते हैं। हमारी पोजीशन भी आई थी 2017 अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक ऑन रिकॉर्ड है सारा कुछ। तो इसके पीछे हमारी जो मैनेजमेंट टीम है उनका चेक इन बैलेंस, फिर जो हमारा स्टाफ है, हाई क्वालिफिकेशन जो होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका जो ज़ाहिर एफर्ट्स होती हैं, सारी कोशिशें होती हैं, उसके बाद जाके बच्चा इस स्टेज पर पहुँच जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कोई भी इम्तहान उसके लिए मुश्किल नहीं होता। आज हमारे स्टूडेंट, हमारे जो स्कूल से पढ़े हुए लोग, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, पाकिस्तान आर्मी में भी हैं, बड़े बड़े इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उसके पीछे इदारे की मेहनत है, स्टाफ की मेहनत है, मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हमने आपको मिलवाया साइंस लोकस स्कूल जो है हमारा मॉडल टाउन कैंपस, उसके प्रिंसिपल हमजा इकबाल शेख साहब से, कैंपस हेड मुफ्ती इमरान साहब से। आइए, हालिया गर्मियों की छुट्टियों में इस तालीमी इदारे के बच्चों ने जो गैर नसाबी सरगर्मियाँ जो सर अंजाम दी हैं, आपको एक तायराना जायज़ा उसका भी हम दिखाएं।
नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं साइंस लोकस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन अरशद इकबाल शेख साहब। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनकी बातें आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप जी? अल्लाह पाक का एहसान। कैसे हैं आप जी? अल्लाह पाक का एहसान। अच्छा सर, आज मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता था। बहुत से हमारे व्यूअर्स जो हैं उनके अजहान में भी सवालात हैं। मैंने ये सवाल पहले अपने प्रिंसिपल साहब से भी किए हैं। आप बराह करम ये बताएं कि ये गुजरांवाला में प्राइवेट सेक्टर में बहुत से लोग जो हैं वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तालीमी तदरीसी, आपका जो ये स्कूल सिस्टम है, ये पूरा जो आपकी चेन है माशाल्लाह, आपको सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको कब ख्याल आया कि आपने इस शोभा का चुनाव किया? जब मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की थी तो उस वक्त ही मेरा जी चाहता था कि मैं इस शोबे में चला जाऊं जी और अपना इंस्टीट्यूशन बनाऊं। तो फिर अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, 4 नवंबर 1996 को अल्लाह पाक ने अपने फजल से हमें तौफीक दी, तो हमने 132 डी सैडेटॉन में जी साइंस लोकस का आगाज़ किया था। जी जी। और बहुत अल्लाह ताला ने मेहरबानी की हमारे ऊपर, मेहनत हमने बहुत की, टीम हमें बड़ी अच्छी मिल गई। हम खुद भी सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे तक वर्किंग करते थे, 12 घंटे। उस वक्त ये फुल डे स्कूल होता था, थोड़ी देर के लिए बच्चे बीच में चले जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। वाह। हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम बच्चों को होमवर्क ना दें जी, बैग वो घर ना लेके जाएं, पेरेंट्स को कोई बर्डन ना हो कि ये बैग घर लेके आते हैं। तो इस नुक्ते को बेस बना के हमने इसको शुरू किया था और अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबियाँ दी। अगले साल ही फिर ये 23D में दूसरा कैंपस बन गया जी, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अब साइंस लोकस के 10 कैंपस हैं माशाल्लाह। पीपल क्यूनी में भी है, मॉडल टाउन में भी है। तो उसमें जो मेन रीज़न है हमारी, हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को अपने बच्चों जैसा समझें, उनसे बड़ा प्यार करें और उनको जो उनके मसाइल हैं वो समझते हुए उनके मसले हल करें और उनको तालीम में आगे बढ़ने का शौक़ पैदा करें। उनके अंदर एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होती है साइंस लोकस में। हमने जिस बच्चे ने टॉप किया था उसको हमने गाड़ी दी थी, मैरियन में बहुत बड़ी दावत की थी और उसमें वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आया हुआ था माशाल्लाह, बाकी स्टूडेंट भी। फिर ये उससे पहले हमने मोटरसाइकिल दी। तो जब भी पोजीशन आती है, जैसे कि बताया होगा आपको हमारे प्रिंसिपल साहबान ने भी, कैश प्राइसेस भी हम बहुत ज़्यादा बच्चों को देते हैं। बच्चे को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, उसके अंदर एक लगन पैदा होती है, एक शौक़ पैदा होता है कि मैंने पढ़ना है और अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे एप्रिसिएशन भी मिलेगी, इनामात मिलेंगे और आगे बढ़ने के मौके भी रोशन होंगे मेरे लिए। तो एनकरेजमेंट होती है सर। हाँ, बस ऐसे ही इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत बच्चों को हम लेके चले। अल्लाह का शुक्र है कि जो सफ़र 4 नवंबर 1996 को शुरू हुआ था वो पहले दिन 11 बच्चों से शुरू हुआ था। पहले दिन हमारे पास, जिस दिन हमने स्कूल का कैंपस ओपन किया, 11 स्टूडेंट्स आए थे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 4400 के करीब स्टूडेंट्स हैं साइंस लोकस के। जो नेटवर्क है 321 लोग हैं जो इसको मैनेज करते हैं, यानी हमारा पैरा स्टाफ है, हमारा जो टीचिंग स्टाफ है, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो ये 316 लोग हैं जो स्टाफ है पूरा साइंस लोकस का नेटवर्क जो है। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि बड़ा अच्छा चल रहा है। और अब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हम जब कभी सैर करने के लिए बाहर जाएं तो हर जगह पर हमें अपने स्टूडेंट्स मिलते हैं। पिछले साल भी जब मैं और राशिद साहब हम यूरोप गए थे तो स्पेन में भी हमें हमारे स्टूडेंट मिले, फ्रांस में हमारे स्टूडेंट मिले, स्विट्ज़रलैंड में हमें हमारे स्टूडेंट मिले। और वो हमें अपने ज़बरदस्ती कहते थे कि आपने हमारे साथ चलना है, खाना खाना है, हमने सारा दिन आपको अपने साथ रखना है। तो ये वो सफ़र जो 1996 से शुरू हुआ था, वो बच्चे बहुत आगे चले गए हैं, वो बच्चे बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पे हैं पाकिस्तान में, बाहर बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पे हैं, बड़ी मतलब उनकी जॉब बड़ी अच्छी है और वो हर जगह पर साइंस लोकस को याद रखते हैं। वो ये कहते हैं कि सर, जो वक्त साइंस लोकस में गुजरा था, साइंस लोकस ने हमें ग्रो करना सिखाया, हमें
लाइफ में फाइट करना सिखाया। माशाल्लाह, तो अल्लाह का एहसान है जी, बड़ा बेहतर चल रहा है, अल्लाह पाक का एहसान है। अच्छा सर, आपके ये जो नताइज होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं आपके, वैसे तो सारे स्कूल्स अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके जो हैं वो सबसे अलग होते हैं, सबसे नुमाया होते हैं, इसमें क्या राज पिन्हा है? हम खुद भी इन्वॉल्व हैं, यानी हम ऐसा नहीं करते कि हम खुद स्कूल वक्त पे नहीं आते, मैं या राजेश साहब, हम सुबह प्रॉपर टाइम पे स्कूल पहुंचते हैं और पूरा टाइम स्कूल को देते हैं। हम टीचर्स की खुद क्लासेस लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग क्लासेस जो हैं कि कैसे पढ़ाना है, काम कैसे कराना है, सिलेबस डिज़ाइन करते हुए उनके साथ खुद बैठ सिलेबस डिज़ाइन कैसे करना है, टेस्ट कैसे डिज़ाइन करने हैं, टेस्ट का लेवल कैसा होना है, फिर टेस्ट को जब टेस्ट चेक हो जाते हैं तो उनकी क्रॉस चेकिंग कैसे होनी है, यानी जो स्टेप अच्छे नंबरों के लिए स्टूडेंट को उसकी ग्रूमिंग के लिए चाहिए होते हैं, उन सब पे हमारी नज़र होती है जी। और हम खुद चूंकि उस्ताद हैं, टीचर हैं हम खुद, तो हमें हमसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है कि हमें पता ना हो कि भाई ये काम कैसे करना है, हर चीज़ हमारी नज़र में होती है, जहाँ भी मिस्टेक होती है हमें फ़ौरन पता लग जाता है, तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, असातिज़ा को प्यार से मोहब्बत से ट्रेन करके समझा के तो बेहतरीन कोशिश करते हैं कि बच्चों को पनिशमेंट ना दी जाए, उनका मसला हल किया जाए, उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जाए। अगर वो मैथमेटिक्स सर, माशाल्लाह ये जो मैंने देखा है, अभी विजिट किया है आपका स्कूल, ये हाई लेवल का स्कूल है, तो आपकी जो माशाल्लाह कंप्यूटर लैब है वो इस कदर जदीद है और इस कदर वो लेस है हर किस्म के कंप्यूटर के सामान। हमारा अब आपकी बात बिल्कुल बजा है, हमारा जो शौक है ना जी, 9th-10th वो हमारा शौक है जी, बाकी क्लासेस भी हमारी ही हैं, लेकिन 9th-10th के बच्चों को पढ़ाना, फिर उनके लिए हम प्रैक्टिकल लैब्स जो हैं हमारी बड़ी खूबसूरत हैं, जो हमारी कंप्यूटर लैब्स हैं बड़ी खूबसूरत हैं, तो हम इस पर ज़ोर भी बहुत देते हैं कि बच्चे को प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व करना चाहिए, उसको इस तरफ लेके आना चाहिए कि आपने प्रैक्टिकल करने हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसका विजन खुलता है। इसके लिए हमने कंप्यूटर लैब भी बड़ी अच्छी रखी हुई है, हमारे असातिज़ा जो हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, बायो के, बहुत ही क्वालिफाइड हैं, बड़े ट्रेंड हैं और अपने सब्जेक्ट में बड़े माहर हैं, और बड़ी देर से हमारे पास है, फ्रेश टीचर्स भी हैं, लेकिन अमूमन हमारा स्टाफ जो है 15 साल से हमारे पास है, कुछ 16 साल से, 17 साल से, तो वो बड़े ट्रेंड लोग हैं जो सारे हमारी टीम में हैं। जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो उनकी भी प्रॉपर अप्रिसिएशन होती है, अभी 9th class का रिजल्ट आया है, जो कैंपस विन करता है उसके लिए अलहदा इनाम होता है, जो असातिज़ा जिनका रिजल्ट अच्छा होता है उनके लिए कुछ 10,000 है, 20,000 है, वो कैश प्राइज अलहदा असातिज़ा के लिए, ताकि उनको भी अप्रिसिएशन की मिले, उनको भी खुशी हो कि मैंने मेहनत की है तो मुझे भी प्राइज मिला है, उनकी खिदमत का भी सारे इतराफ किया जाना चाहिए, क्योंकि असातिज़ा ही तो बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि माशाल्लाह वो फिर अपने स्कूल का, अपने तालीमी इदारे का नाम रोशन करते हैं। अच्छा हुजूर, एक बात ये बताएं कि हमारे इदारों में ज़बरदस्त तालीम दी जा रही है, तदरीस अच्छी हो रही है, जैसे कि माशाल्लाह आपका इदारा है बड़ा मुनफरिद मुकाम और हैसियत रखता है, सर क्या आपके इदारे में बच्चों को, जैसे आपने शुरू में फरमाया कि हम सब बच्चों को अपने बच्चे समझते हैं, देखें माँ बाप के पास सबसे कीमती जो मता होती है वो उनके बच्चे होते हैं, ऐसे ही है, वो अपने बच्चों को आपके सुपुर्द करके चले जाते हैं कि ये मेरा बच्चा है, इसको कुछ बना दीजिए, तो आप ये बताएं कि तालीम और तदरीस के अलावा बच्चों के साथ जो वो शफ़क़त पिदराना जो होती है, जैसे कि अल्लाह पाक के नबी पाक ने फरमाया कि एक आदमी के 3 बाप होते हैं, एक उसका वो बाप जो उसको दुनिया में लाने का सबब बना, ऐसे ही है, एक वो बाप जो उसे ज़मीन से आसमान तक पहुंचाने का सबब बना वो असातिज़ा किराम, और तीसरे बाप वो जिन्होंने फिर उसको कल कलां को अपनी बेटी दी जिसके साथ उसकी शादी होती है। तो आप चूँकि एक मजाजी बाप की आपका रुतबा है, तो बच्चे सर जो हमारे हैं, तालिबात हैं, तुलाबा हैं, उनका और असातिज़ा के दरमियान जो है ना सर, वो एक तफावत सी रह जाती है, बच्चे डरते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, अपने मसाइल जो हैं वो बच्चे अपने असातिज़ा के साथ अगर शेयर कर लें, अगर कथारसिस हो जाएं,
तो वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जैसे वाकयात ना हों, अगर कोई बच्चा या बच्ची, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, हरासमेंट का शिकार हो रहा है, तो क्या वो आपसे आके सारा कुछ अपना बयान कर सकता है? ये इस चीज़ की भी आपने दी हुई है इजाज़त? बड़ी इस बात की केयर करते हैं, और हम अपने साजा को भी जब उनके उनके लेक्चर्स हम लेते हैं, उनको उनसे डिस्कस करते हैं या उनको गाइड करते हैं, तो ये कहते हैं कि उस्ताद का और स्टूडेंट का, बेटी है तब, बेटा है तब, ये रिलेशन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए सर। उसको अपने सारे मसाइल हमारे साथ शेयर करने चाहिए। जबरदस्त। उसको घर में भी प्रॉब्लम है, कता गलामी माफ, ऐसे मसाइल भी जो बच्चे अपने बाप से डरता हुआ नहीं शेयर कर सकता। कम से कम मैं सर समझता हूँ कि उस्ताद इस कदर शफीक होने चाहिए कि बच्चा अपने सर जी को बता सके कि सर मैं इस मुश्किल में हूँ, मेरा ये मसला है, हाँ, मुझे निकाल। हम कोशिश करते हैं जो बेटियाँ हैं हमारी वो अपनी फीमेल टीचर्स के साथ सर। हमारी एक कैंपस हेड है, मिसिस समरीन लतीफ है, मिसिस आसमा है सर, बहुत सीनियर है, और उनकी बच्चियों के साथ बहुत एसोसिएशन है। बच्चियाँ सारे मसाइल उनके साथ शेयर कर देती हैं। जो हमारे बॉयज़ कैंपस हैं उनमें मुबशर साहब हैं, सर अबू बकर हैं, जैसे अभी मुफ्ती इमरान साहब से आप मिले हैं, तो इनके साथ भी स्टूडेंट्स की बड़ी एसोसिएशन है। हमारी अपने साथ हम बच्चों को इस चीज़ की परमिशन है कि छुट्टी हो जाए, वो मेन कैंपस में आ जाए, गेट पे बताया मैंने सर अर्शद को मिलना है, बगैर किसी रोक टोक के वो मेरे ऑफिस में आ जाए, सर हमजा से मिल ले, मेरे भाई बैठे होते हैं अबूदर साहब उनसे मिल ले, राज साहब से मिल ले सर, जितना जो मर्जी अपना मसला बताए शेयर करें हमारे साथ। हम कोशिश करते हैं कि उसको उस परेशानी से निकाला जाए सर, और उसको उसके लिए उसके पेरेंट्स से बात करनी पड़े, उसको समझाना पड़े, तो हर तरह से कोशिश की जाती है कि बच्चों से मोहब्बत से, प्यार से, एक बाप की हैसियत से, एक बड़े भाई की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से उसके मसले को ख़त्म किया जाए, और उसको उस टेंशन से निकाल कर उसको इस तरफ लाया जाए। अक्सर होता है बच्चे लड़ पड़ते हैं सेवन्थ क्लास में, नाइन्थ क्लास में, और जिस तरह का दौर है फिर वो लड़ाई बढ़ भी जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको कोशिश करते हैं कि पैचअप भी करवाएं, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, उसके पेरेंट्स को बुला लिया, उनके को बुला लिया, और बच्चों को समझा दिया, बच्चों को समझा दिया और उनको जोड़ने की कोशिश की, उनको समझाया कि यार ये मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं लगता। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि बच्चे इससे एग्री भी करते हैं जी। बच्चे फिर मोहब्बत से मिल जाते हैं, वो ये समझ जाते हैं कि यार थोड़ी फादर टाइम बीइंग नाराज़गी हुई थी, लेकिन ये जो नाइन्थ टेंथ का पीरियड है ये सारी उम्र याद रहना। बच्चे बड़े भी हो जाए ना तो तब भी उनको याद रहता है कि नाइन्थ में टेंथ में मेरे साथ कौन थे, कौन से स्कूल में मैं पढ़ा था, और वो क्या क्या मुझे पढ़ाते थे, और उधर का एनवायरनमेंट कैसा था, वहाँ का मॉरल एनवायरनमेंट कैसा था, वहाँ का एटीट्यूड कैसा था, ये सारी चीज़ें बच्चों को सारी उम्र याद रहती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि बड़ी खूबसूरत यादें लेके जाएं बच्चे, और बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस डिवेलप हो जाए कि वो ये सोचे कि मैंने अपनी सिस्टर को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को इन्हीं हाथों में देना है। वाह। इन्हीं हाथों में देना है कि ये ऐसे हाथ हैं जिन्होंने मेरी परवरिश की थी, बहुत अच्छी है नर्शमेंट, और हाँ, और ये मुझे भी, ये मेरे बच्चे भी इनके हाथों में जाने चाहिए। माशा, तो ऐसा ही है, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स के बेशुमार जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, बड़ी तादाद उनकी है जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं। वाह, बड़ी तादाद उनके जो बच्चे हमसे पढ़े। अच्छा सर, आखिर में बराहे करम अपने स्टूडेंट्स जो हैं, जो आपके कैंपसेस में अभी ज़ेरे तालीम हैं, उनको भी, और जो पूरे वर्ल्ड वाइड आपने फरमाया कि दुनिया भर में अब तो जहाँ भी जाते हैं तो आपके शागिर्द होते हैं, उनके नाम कोई ब्राह करम नसीहत करें या कुछ ऐसी पैगाम दें। आप सब से मैं मुखातब हूँ, जब कोई भी मौका मिलता है, फेयरवेल जब आप लोगों की होती है या एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो मैं आप सबको एक ही बात कहता हूँ कि बेटा अपने वालदैन की बड़ी रिस्पेक्ट करो, बड़ा ही अदब करो अपने माँ बाप का, और अपने छोटे बहन भाइयों के लिए शजरे सायादार बनो, उनको एक ऐसा भाई मैसर आए, और वालदैन को ऐसा बेटा या बेटी में वो बनो आप के जिस पे वो फ़ख्र करें। वालदैन को जब मैं कभी सुनता हूँ, कभी बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में कि वालदैन डिस्टर्ब हैं बच्चे से, बच्चे बेटा बड़ी तकलीफ़ होती है, और इसका पता आपको असल में उस वक्त लगेगा जब आप खुद बाप बनोगे या खुद आप माँ बनोगी, फिर पता लगता है बंदा कितना डिस्टर्ब होता है मेंटली,
कि जब औलाद जो है वो मेहनत ना कर रही हो। आपका शानदार रिजल्ट एक बाप की एक माँ की सारी बीमारियाँ ख़त्म कर देता है। आप मैट्रिक में जब शानदार रिजल्ट लेके आए हैं, एफएससी में लेके आए हैं, और आपके वालिद साहब को कोई प्रॉब्लम हो तो वो सारी दूर हो जाएंगी, वो आपके गले लग के बिल्कुल एकदम फिर जवान हो जाएंगे और उनकी सारी थकावट दूर हो जाएगी, आपकी वालदा की सारी थकावट दूर हो जाएगी। तो मेरा बेटा यही है मैसेज कि हमने हम्बल होना है, ओबीडियंट होना है, और वालदैन से और अपने नेबर से अपने मुआशरे से प्यार करने वाला होना है। बेटा लड़ाई झगड़े में नाराज़गियों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो मोहब्बत ही ऐसी है चीज़ है जो माँ बाप से, बहन भाइयों से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्त अहबाब से, नेबर से करके हम कामयाब इंसान बन सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, आपने हमारे साइंस लोकस स्कूल सिस्टम के चेयरमैन अरशद इकबाल शेख साहब की बातें सुनी। उनकी हर एक बात नसीहत आमोज थी और इस काबिल थी कि उस पर गौर किया जाए। इसके साथ ही हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। रब राखा और अल्लाह बेली। हाय चल।